और इन सभी जीवों के पास दूध भी है, उनका गोबर भी है और मूत्र भी है। समतुल्य जीव जैसे गाय की तरह दिखने वाली भैंस, गाय की तरह दिखने वाली जर्सी, हॉस्टियन, फ्रिजियन, गाय की तरह दिखने वाली बकरी, बकरी का शरीर और शारीरिक ढांचा भी आप देखो तो बिल्कुल गाय की तरह है। हमारे देश में बहुत सारी गाय की प्रजातियां हैं जो बिल्कुल बकरी के कद की होती है। जैसे ऋषिकेश में एक गाय की प्रजाति होती है जिसका नाम है नौ मुट्ठी, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी और नौ मुट्ठी, इतनी ही ऊंचाई होती है, यानी बिल्कुल बकरी के बराबर। हमारा एक पड़ोसी राज्य है केरल, वहां पर वेचूर नाम की एक गाय की प्रजाति होती है, वह भी नौ मुट्ठी से थोड़ी अधिक होती है, यानी बड़ी बकरी के कद की होती है। तो गाय और गाय के समकक्ष बहुत सारे जीव हैं हमारे देश में जिन जीवों का दूध हम सेवन करते हैं। उनका गोबर भी होता है और उनका मूत्र भी होता है। अभी मैं पिछले महीने राजस्थान के प्रवास पर था और वहां मैंने देखा कि लोग वहां उटनी का भी दूध पीते हैं। यानी हमारे देश में दूध के स्रोत के रूप में केवल गाय नहीं है, गाय की तरह दूसरे बहुत सारे जीव हैं। लेकिन एक सहज कल्पना हमारे मन में आती है और ये तो बहुत सदियों से हमारे देश में ये बात चलती आ रही है कि ये जो गाय है इसका मनुष्य जीवन में जो है मनुष्य के लिए मां के समान है, यानी मां का दर्जा हमारे ऋषियों ने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया। लेकिन यहां पर एक विचार आता है कि क्यों दिया? अगर दूध हम गाय का पीते हैं तो उसके समकक्ष भैंस का भी दूध पीते हैं, उसके समकक्ष बकरी का भी दूध पीते हैं, उसके समकक्ष राजस्थान के लोग ऊंटनी का भी दूध पीते हैं, और भी कुछ जीव हो सकते हैं। हमारे देश में जो जर्सी, हॉस्टियन, फ्रिजियन है इसका इतिहास तो बहुत लंबा नहीं है, 35 से 40 साल पुराना इतिहास है। तो इसको अगर आप छोड़ दें तो उससे पहले भी बहुत सारे जीवों का दूध हम भारतवासियों ने पिया है, सेवन किया है, लेकिन कभी भी उन जीवों के साथ मां का संबोधन नहीं किया। मैं पिछले दिनों हरियाणा गया था, हरियाणा में मैंने देखा कि भैंस के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, इतना अगाध प्रेम है कि आप कल्पना ना कर सको यहां कोंगन में बैठ करके, इतना अगाध प्रेम है। फिर हमने पूछा कि अगर इतना अगाध प्रेम आपको भैंस के साथ है तो भैंस को भैंस मैया क्यों नहीं बुलाते? तो बोलते नहीं जी, भैंस मां नहीं हो सकती। अगाध प्रेम है लेकिन भैंस मां नहीं हो सकती, मां तो गाय ही होगी। भले साक्षात गाय ना हो, गाय की मूर्ति हो तो मूर्ति को भी मां कह लेंगे, लेकिन भैंस को मां नहीं कह सकते। मैंने पूछा क्यों? आपका प्रेम भी है, दूध भी देती है, उससे आपका परिवार भी चलता है, आमदनी भी है, आपके परिवार का पालन पोषण भी होता है, इसमें क्या संशय है? तो बोले जी मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं सिखाया, नहीं मेरे दादाजी ने ऐसा सिखाया और नहीं किसी पूर्वजों ने ऐसा कहा। भैंस तो सदियों से है इस देश में, जब से इस देश में गाय रही है तब से इस देश में भैंस भी रही है, लेकिन भैंस को संबोधन ऐसा किसी भी ऋषि ने नहीं दिया। तो मैंने कहा कारण ढूंढो ना, क्या कारण है इसके पीछे कि भैंस को मां का संबोधन नहीं मिला और आप अपनी गैया को छोड़ करके भैंस के पीछे पागल हो? तो बोले जी वो तो पता नहीं क्यों हम लोगों में ऐसा पागलपन है भैंस को लेकर के, लेकिन इसको किसी भी कीमत पर मां नहीं कह सकते। और लगभग जो है ऐसा ही विचार लगभग सभी राज्यों में है। बहुत सारे आंध्र प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बकरी पालन बहुत होता है। वहां भी जब मेरा एक बार प्रवास हुआ और लोगों से हमने पूछा कि जी आप गाय तो नहीं पालते, बकरी पालते हो, फिर बकरी को मैया क्यों नहीं बोलते, उसका दूध भी पीते हो? हाँ, और बकरी पालते हो लेकिन बकरी खाते नहीं हो। वहां पर बकरी खाना धर्म के विरुद्ध है, बकरी पालन करने वाला कोई भी परिवार मांसाहारी नहीं है, सब शुद्ध शाकाहारी हैं। और बकरी का जो संबंध है उनका, वो मौसी का संबंध है। बकरी को मौसी कहते हैं कि ये हमारी मौसी है, इसके लिए हम इसका पालन करते हैं और घर में रखते हैं। मतलब बकरी के प्रति भी इतना अगाध प्रेम, इतनी अगाध श्रद्धा, फिर भी उसको मां नहीं कहते। तो कहते जी गाय घर में हो या ना हो, मां तो गाय ही है,
बकरी वह स्थान नहीं ले सकती। तो ये पूरे भारत में मेरा लगभग 25 राज्यों में प्रवास हुआ है अभी तक, और 25 राज्यों को जो मैंने समझने की कोशिश की है, इसमें से एक ही निचोड़ निकल के आता है कि पूरे भारत की संस्कृति में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जो गाय को मां ना मानता हो या उसके दिल में गाय के प्रति एक विशेष प्रेम ना हो। तो आखिर यह सारा प्रेम हम भारतवासियों के मन में गाय के प्रति उभरा क्यों? इसके पीछे का क्या इतिहास रहा होगा? इस पर जब मैंने थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश की, कुछ पुराने दस्तावेज जब ढूंढने की कोशिश की, तब उसमें से बहुत सारे अद्भुत अद्भुत विषय निकल करके आए, और मुझे लगा कि फिर ये सारे अद्भुत विषय तो हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जो सरकारें हैं अंग्रेजों के जाने के बाद, वो इतनी निरंकुश है कि कभी भी सत्य को नहीं देखती। जो कुछ भी यूरोप के देश और अमेरिका के देश कहते हैं, बस उसके पीछे वो अनुसरण करना केवल जानते हैं, और इसी अनुसरण ने हमें खाई में गिराया है, एक ऐसी खाई में गिराया है जिस खाई में गिरकर हम सभी भारतवासी बीमार हो गए। कितने बीमार हो गए इसकी अगर कुछ संख्या में बोलूं तो पिछले महीने सरकार की एक रिपोर्ट है कि भारत में 1300 लोग प्रतिदिन मर जाते हैं क्योंकि कैंसर की चिकित्सा हमारे देश में पर्याप्त नहीं है। हम भारतवासी 1300 लोग प्रतिदिन मरते हैं, कल्पना करो। हमारे देश में हृदय की बीमारी की पूरी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, इसलिए 2500 लोग प्रतिदिन हार्ट अटैक से मर जाते हैं। और इस तरह से अगर एक एक बीमारी की आंकड़े अगर आप निकालो, तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम किस देश में जी रहे हैं, हमारा देश कितने गर्त में डूब गया है, कितनी मुसीबत है। आज अगर हमारे देश में सबसे बड़ा मुसीबत है तो राजनीतिक मुसीबत नहीं है, हमारे देश में अगर कोई बड़ा मुसीबत है तो आर्थिक मुसीबत नहीं है, हमारे देश में अगर कोई बड़ा मुसीबत है तो वह स्वास्थ्य का मुसीबत है। भारत सरकार के पिछले जनगणना की रिपोर्ट आप पढ़ करके देखें, और उसमें जो स्वास्थ्य के विषय में जो माहिती सरकार ने दी है, इसको अगर आप उठा करके देखो तो सरकार कह रही है कि हमारे देश की 30% बेटियां विवाह से पहले ही बांझ हो चुकी हैं, 25% युवा विवाह से पहले ही बांझ हो चुके हैं। इन दोनों को अगर जोड़कर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है आज भारत की आधी जनसंख्या बांझ है, पुत्र या पुत्री का सुख नहीं भोग सकते। तो हमारा देश ऐसा था 100 साल पहले जहां कोई बीमार नहीं पड़ता था, एक एक माताएं उनके दर्जन भर बच्चे पुत्र पुत्रियां होती थी। मैं खुद अपनी मां का 8वां में अंतिम संतान हूं, तो यह देश फर्टिलिटी के मामले में इतना अमीर था, इतना उपजाऊ यह मिट्टी थी, कैसे बांझ हो गया, कैसे बैरन हो गया, आज विचार करने की जरूरत है। इसमें कुछ खड़यंत्र है और इन विषयों पर आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाइयों ने कहा है कि मैं मुख्य रूप से चिकित्सा पर बात करूं। तो यह सारा कुछ जो बिगाड़ हमारे देश का हुआ है, यह कैसे हुआ? और इसमें जब मैं गाय को देखता हूं, तब मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जिस दिन अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, शारीरिक रूप से भारत राष्ट्र को छोड़कर जिस दिन अंग्रेज चले गए, उस दिन अंग्रेजों ने एक दस्तावेज यहां की सरकार को सौंपा था जिसमें सब कुछ वर्णन था कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत में पशुधन कितना है, कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं, कितने राजमार्ग हैं, कितने जिले हैं, कितने गांव हैं, इन सारी जो माहिती है वो गजटियार नाम के एक दस्तावेज में अंग्रेजों ने रखा। उसको आप पढ़ करके देखिए एक बार कि जब अंग्रेज छोड़ करके गए तब यह भारत कैसा था।
और 67 साल तक हमारे लोगों ने सत्ता की इस देश में, और 67 सालों में हमारा यह देश कितने गर्त में डूब गया, बिल्कुल इन दस्तावेजों में है, आप पढ़ सकते हो। तो मैंने जो समझा है वो यही कि अंग्रेज जब छोड़कर के गए इस देश को, उस समय हमारे देश में जो है 32 करोड़ पशुधन था, यानी गाय थी। उस समय जर्सी हॉस्ट्रियन और फ्रीजियन नहीं थी, कुछ भैंस की भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। उसमें जो जानकारी है वह गाय और भैंस और लगभग उसके समरूप के जीवों की। तो उस समय 32 करोड़ पशुधन था हमारे देश के पास, और हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी। तो अगर थोड़ी सी बात को छोड़ दो तो प्रत्येक एक भारतवासी पर एक पशुधन था। सीधी बात करूं तो एक गाय थी, एक व्यक्ति और एक गाय, ऐसा संतुलन 1947 में था इस देश में। अब अगर बात करूं मैं कि 67 साल तक हमारे लोगों ने सत्ता किया, राज किया, और राज करने के बाद क्या दिया है हमें, तो जो चीजें सामने निकल के आती है वह यह है कि आज कुल 3 करोड़ गाय बची है पूरे देश में। सरकार कहती है 14 करोड़ पशुधन है, लेकिन उसमें से अगर गाय को अलग निकाल लो तो 3 करोड़ गाय है बची हुई। तो कितना बड़ा नुकसान पशुधन के मामले में हमारे देश में हुआ है, आर्थिक रूप से कितना नुकसान हुआ है। इसमें भी अगर एक उदाहरण मैं रखूं, 1947 में जब अंग्रेज छोड़ करके गए, 1 रुपया में 1 डॉलर मिलता था, रुपया और डॉलर बराबर था। आज 60 रुपये में 1 डॉलर है, यानी हम 60 गुना गरीब हो गए। तो आर्थिक रूप से 67 सालों में हमारे राजनेताओं ने 60% हमें गरीब किया। 32 करोड़ गाय बढ़नी चाहिए थी, घट के 3 करोड़ रह गई। तो एक दिन मैंने गणित लगाना शुरू किया कि अगर हम भारतवासी बड़े भाग्यवान होते और 1947 में जो सरकार बनी थी उस सरकार ने अगर संपूर्ण गौ हत्या बंदी का कानून लागू कर दिया होता तो आज हमारा देश कैसा होता। इस पर मैंने इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स के माध्यम से पूरी गणित निकाली, तो गणित कहता है कि आज भारत में 3,800 करोड़ गायें होती और 1 रुपये में 40 डॉलर मिलता। अगर अमेरिका की भौतिक समृद्धि को आप मानते हो कि बहुत समृद्ध राष्ट्र है, तो आज हमारा भारत राष्ट्र अमेरिका की भौतिक समृद्धि से 40 गुना ऊपर होता और इस देश में गाय की संख्या 3,800 करोड़ होती, लेकिन नहीं हो पाया, हम गाय को नहीं समझ पाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत में बहुत तेजी के साथ गाय और गाय का विज्ञान प्रचारित हो रहा है। भारत की आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, इस पीढ़ी के पास ज्ञान है गाय को समझने की, और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे देश में गाय का जो विज्ञान है वो प्रचारित होगा, प्रसारित होगा, और बहुत जल्दी समय आने वाला है हम भारतवासी फिर से निरोगी हो सकते हैं। लेकिन केवल अगर हम ऐसा सोचें, गणित के माध्यम से गणना निकालकर अगर सोचते रहें कि 2020 में हमारा देश स्वर्णिम युग में चल जाएगा और हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा, तो सोचने से और केवल सपने देखने से तो कुछ हो नहीं सकता। अगर ऐसी समझ बनती है, अगर ऐसे सपने हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, और उसी कर्म के बल पर भारत फिर से विश्व गुरु भी हो सकता है और फिर से सोने का शेर भी बन सकता है। इस बार हम भारतवासियों का विचार है कि चिड़िया नहीं बनाएंगे, शेर बनाएंगे। तो यह
कुछ करना है अगर इस राष्ट्र में तो उसके लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ेंगे। और कर्म क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से एक बात जो निकल करके आती है कि हमारे देश में जितनी भी गाय बची हुई है, जितनी भी गाय की प्रजातियां बची हुई है, तत्काल इन गायों को बचाना होगा, उन प्रजातियों को बचाना होगा। अंग्रेज जब छोड़कर गए थे इस देश को, उस समय की माहिती अगर आपको बताऊं तो हमारे देश में 360 गाय की प्रजातियां थी। अगर आज की माहिती बताऊं तो सरकार कहती है कि 36 प्रजातियां केवल बची है। लेकिन मैं कहता हूं, 25 राज्यों का मैंने प्रवास किया है, तो मैं कहता हूं अभी भी लगभग 70 से ज्यादा प्रजातियां बची हुई है। शेष प्रजातियों पर अध्ययन का काम नहीं हुआ है, उनके संरक्षण का काम नहीं हुआ है, उनके बचाव का काम नहीं हुआ है। तो अभी जो 70 प्रजातियां बची हुई है, इन प्रजातियों को अगर हमने बचा लिया, इनका अगर हमने संवर्धन कर लिया, और इसमें से जो गाय देती है उन गव्यों का अगर सदुपयोग हमने अपने जीवन में राष्ट्र के सापेक्ष में कर लिया, तो वह दिन दूर नहीं कि भारत राष्ट्र दुनिया के सभी राष्ट्रों में सबसे अमीर होगा। कैसे? केवल कहने से नहीं हो सकता। इसमें जो कुछ प्रमाण हमने पाया है, यही प्रमाण के कुछ नमूने आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। एक जो बड़ा प्रमाण है वह ऋग्वेद के कुछ सूत्रों पर आधारित है। हमारा ऋग्वेद कहता है कि गौ में वस्ति लक्ष्मी, गौमूत्र धनवंतरी। गौमय का अर्थ होता है गाय, मतलब भारतीय नस्ल की गाय से मिला हुआ गोबर। इस गोबर में लक्ष्मी है, ऋग्वेद का सूत्र है। और ऋग्वेद को मैंने जितनी बार पढ़ा, कभी भी मुझे ऋग्वेद धार्मिक ग्रंथ नहीं दिखता। उसके कोई भी फॉर्मुलेशन सूत्रों में मुझे कुछ धर्म नहीं दिखता है। ऋग्वेद को मैं अगर वास्तव में अपनी बात कहूं तो यह तो एक ऐसा भूगोल दिखता है, एक ऐसा ज्योग्राफी दिखता है जिसमें सौर्य मंडल के निर्माण से लेकर के और इसके खत्म होने तक का विज्ञान है। तो ऐसा विज्ञान कहता है गोमय वस्ति लक्ष्मी, यानी गाय का जो गोबर है वह तो साक्षात लक्ष्मी है, और गौमूत्र धनवंतरी, उनका जो मूत्र है वो साक्षात धनवंतरी है। लक्ष्मी को तो हम सभी जानते हैं, लक्ष्मी को पाने के लिए है इतने सारे कर्मकांड, विद्याकांड और ये सारे अर्थकांड करते हैं। दूसरा जो सूत्र है गौमूत्र धनवंतरी, इसमें सबसे पहले हमें धनवंतरी जी को समझना पड़ेगा कि अगर गौमूत्र साक्षात में धनवंतरी हैं, तो धनवंतरी कौन है। तो धनवंतरी के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। आप कोई भी किसी भी महर्षि का चिकित्सा शास्त्र आप उठा लें, उसमें आपको धनवंतरी की माहिती बहुत विस्तार से मिलेगी। इस पूरे सृष्टि का निर्माण जिस किसी युग में जब भी हुआ, तो इसके जो रचयिता हुए, इस सृष्टि के निर्माण में जिनकी मुख्य भूमिका थी, वे ब्रह्मा जी थे। यह तो हमारे धर्म की बात है। लेकिन अगर आज के विज्ञान की बात करूं तो इस सृष्टि की रचना में लगा हुआ वह सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम अणु, जिस अणु के प्रयास से यह पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, उस कण को आज के विज्ञान ने गॉड पार्टिकल्स कहा है। तो ऐसा गॉड पार्टिकल्स या ऐसा ब्रह्मा, दोनों में से दोनों एक ही हैं, या दोनों को अलग मानना है तो अलग मान लो। तो इनके प्रयास से इस धरती पर सृष्टि बनी या अवतरित हुई। तो ऐसा सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के संतुलन के लिए, सृष्टि में उपजे हुए वनस्पतियों के लिए और सृष्टि में उपजे हुए 84 लाख जीव जंतुओं के कल्याण के लिए चिकित्सा का एक ज्ञान दिया। वह ज्ञान उनके मुख से निकला और सबसे पहले वह ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र को दिया। उनके पुत्र का नाम था दक्ष प्रजापति।
दक्ष प्रजापति जी के पास जब चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान आया तब उनसे यह ज्ञान कई चरणों में इंद्र जी को मिला। इंद्र जी को मिला तो इंद्र जी ने सोचा कि इससे तो पूरी धरती का कल्याण होना चाहिए, और वहां से जो यह ज्ञान धन्वंतरी जी से इंद्र को मिला, और उसके बाद यह पूरे ऋषियों को मिला। उनमें से बहुत सारे ऋषि हैं जिनका नाम आप जानते हो, उसमें से सबसे जो पहले ऋषि हैं उन ऋषि का नाम है ऋषि आत्रेय। ऋषि यानी मनुष्य शरीर में पहला यह जो चिकित्सा का ज्ञान है वह ऋषि आत्रेय को मिला। ऋषि आत्रेय ने फिर बहुत सारे ऋषियों को सिखाया, और उसी श्रृंखला में जो है जब कलयुग आया तो कलयुग में सबसे पहला यह जो ज्ञान है वो ऋषि चरक को मिला, ऋषि सुश्रुत को मिला। और इन दोनों महर्षियों ने जो है इसमें बहुत सारे कलयुग के वातावरण के हिसाब से, कलयुग में बचे हुए भूगोल के हिसाब से बहुत सारे चिकित्सा के फॉर्मुलेशन तैयार किए, चिकित्सा के सूत्र तैयार किए, और उन्हीं में से आज भी गाय से संबंधित लगभग 3,500 फॉर्मुलेशन जीवित हैं। इन्हीं 3,500 फॉर्मुलेशनों पर लगभग पिछले 14 वर्षों से मैं और मेरे साथ जितने भी बाघभट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र, संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है, अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि और क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।